कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता के जो गार्ड थे वो लगातार जो लोग थे उनके साथ जो सेल्फी ले रहे थे उनको तेज प्रताप के जो गार्ड थे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और तेज प्रताप उतर गए नीचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो देख सकते हैं किस तरीके से। अगर एक इन शॉर्ट्स मैं हूं आपके साथ रोहित, आपको बता दे कि राजद और महागठबंधन के तरफ से आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रही है और बाढ़ और सुखाड़ तमाम मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद और महागठबंधन की तमाम पार्टियां आज सड़कों पर उतरी है और प्रतिरोध मार्च कर रही है। आपको बता दें बिहार के तमाम जिलों में प्रतिरोध मार्च को किया जा रहा है। काफी संख्या में आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरी तरह से कहते हैं किस तरीके से राजद का कार्यकर्ता है जो दान कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता में पूरी तरह से दो सौ बना हुए और बहुत सारे राजद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आपको हम तस्वीर दिखाना, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो अपने रथ पर सवार है और जितने भी तमाम जो राजद के तमाम बड़े बड़े नेता वो श्याम रंजक हो या विधायक कृष्णा यादव हो या शिवानंद तिवारी हो तमाम लोग रथ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं सभी लोग रथ पर मौजूद है और तेज प्रताप भी उन रथ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो आज प्रतिरोध मार्च था आरजेडी की तरफ से महागठबंधन की तरफ से, ये प्रतिरोध मार्च आज सगना मोड़ से निकल रहा है और सगना मोड़ से निकलने के बाद ये डकबंगला की तरफ जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरा हुआ है और काफ़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं और नाच गान कर रहे हैं और धीरे धीरे डकबंगला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रथ के ऊपर सवार है और जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से और जितने भी आरजेडी के विधायक माले के विधायक संदीप कौरव हो या राजद के विधायक कृष्णा यादव हो तमाम लोग मौजूद हैं और रथ को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि देख सकते हैं किस तरीके से राजद के कार्यकर्ता हैं जो डांस भी कर रहे हैं और पूरे खुशी में जो कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ उनसे ही बातें विधायक और राजद के तरफ से जो विधायक है मिथिलाल यादव वो भी मौजूद है और धीरे धीरे रथ को बढ़ा कर और देख सकते तेज प्रताप यादव तो नीचे उतर चुका है। आइए देख सकते हैं जो तेज प्रताप है वो नीचे की ओर उतर चुके हैं और अब जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और मंग भरा हुआ है। आइए हम बातें करते हैं, देख सकते हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार प्रताप यादव से कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप जो दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो तेज प्रताप के जो गार्ड थे वो लगातार जो लोग थे उनके साथ जो सेल्फी ले रहे थे उनको तेज प्रताप के जो गार्ड थे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और तेज प्रताप उतर गए नीचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो देख सकते हैं किस तरीके से
अगर एक नेता दौड़ रहे हैं और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जान का कीमत है अपना आम इंसान का जान। एक सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं तो हम बता दें कि जो राजद की तरफ से प्रतिरोध मार्च था, मार्च सगुना मोड़ से निकलने वाला था और सगुना मोड़ से तक बंगला की ओर जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से, जो जैसे ही तेज प्रताप गाड़ी से नीचे उतरे अपने कार्यकर्ताओं से बातें करने के लिए, पूरी तरह से जो कार्यकर्ता थे राजद के वो पूरी तरह से उग्र हो गए और तेज प्रताप उन लोगों के साथ, जो लालू यादव के बड़े लाल है तेज प्रताप यादव, उन लोगों के साथ बढ़े। महंगाई भत्ता के लिए, महंगाई भत्ता का ये रैली है। कहाँ तक जाएगा प्रतिरोध? सगुना मोड़ से पटना तक जाएंगे। राजद के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। सब महंगाई का मुद्दा है, गैस और चावल दाल सब मोदी जी महंगा कर दिए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? महंगाई का मुद्दा। और क्या मुद्दा है? सरकार का विरोध। क्यों सरकार का विरोध? गैस महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, चावल दाल गेहूं महंगा हो गया, इसके लिए मुद्दा उठाए हैं तेजस्वी यादव। सकते हैं किस तरीके से जो राजद के कार्यकर्ताओं की और जिस तरीके से भीड़ है, देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं जगदेव पथ का, यहाँ से जो सगुना मोड़ से जो प्रतिरोध मार्च निकला था वो अब जगदेव पथ पहुँच चुका है और अब यहाँ से धीरे धीरे ये जो काफिला है तेजस्वी यादव का वो धीरे धीरे तक बंगला की ओर मूव कर रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं जा रहा हूँ रेतलाल के पास। बहुत बहुत लालू यादव को मानते हैं, इसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लालू यादव को बहुत मानते हैं, यहाँ पर RJD के बहुत विधायक कुछ कार्यकर्ता हैं जो यंग हैं, उनका कहना है कि लालू यादव को हम लोग बहुत मानते हैं, इसलिए हम लोग इसे काफिले में शामिल हुए हैं। क्या मुद्दा है, क्यों सड़क पर आए? नाम? बेरोजगारी। बेरोजगारी हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर में तिरंगा ला रहा हूँ और घर घर में नौकरी कहाँ नहीं दे रहे मोदी जी, पूछिए मोदी जी से। बिल्कुल दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो राजद के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो नेतागण हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सड़क पर उतरे हैं, क्या मुद्दा है? जान रहे हैं महंगाई भ्रष्टाचार, अरे ऐसा चल रहा है किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की हुजूम है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और आपको हम सीधा तस्वीर और आपको हम बता दें कि हम लोग को जाना है डगमगला जाना है, अभी डगमगला जाना है। महंगाई के तरफ से सरकार हम लोग का महंगाई इतना कर दिया है कि नौजवान नहीं बन सरकार, गलती से हो जा रहा है सरकार, हम लोग सरकार बना रहे हैं लेकिन गलती से हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है, इस पर गलती नहीं होने देंगे। खुश नहीं है, खुश नहीं है इस बार हम लोग, तेजस्वी जब जीतेंगे तब खुश हो गए। नहीं खुश नहीं है, सब चीज प्राइवेट सेक्टर कर दिए हैं और NDA ये डिफेंस वाला भी बंद कर दिए हैं, उसके कारण युवा खुश नहीं है, रोजगारी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं, महंगाई बहुत बढ़ी जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो रथ है वो रथ पे श्याम रजक हो या भाई वीरेंद्र हो या रितलाल यादव हो या माले के विधायक संदीप सौरभ हो, आप देख सकते हैं गाड़ी में जो शिवानंद तिवारी है वो भी बैठे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और आगे की ओर जो तेजस्वी की रथ यात्रा थी, जो प्रतिरोध मार्च प्रतिरोध यात्रा निकाली गई, प्रतिरोध मार्च को हम दिखा रहे थे, देख सकते हैं संख्या से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ है और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे, इतना गर्मी होने के बाद भी
कार्यकर्ताओं में कमी नहीं हुई है और काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे, आप देख सकते हैं भारी तादाद है। किस तरीके क्या क्या मांगे क्या है? अरे क्या है, सब हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, महंगाई काफ़ी सीमा से पार कर रही है, हम लोग बेरोजगार हो के हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। मोदी सरकार ढोल पीट रहा है कि ये विकास किए वो विकास किए, विकास से क्या लोग जी जाएगा, सभी लोग भटक रहा है। कुछ तो परिवर्तन होगा, नया युवा है, हम युवा के साथ है, नया युवा सोच कुछ है। सोच हाँ, हम लोग का सोच है कि भाई कुछ विकास हो, मोदी जी से समझने वाला नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से जो राजद के कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से उनमें दमखम है और पूरी जोश के साथ इतनी गर्मी में भी जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सगुना मोड़ से डकबांगला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें अभी जो तेजस्वी का जो रथ यात्रा है वो अभी जगदेव पथ पे पहुंचा है और भी आगे हम अपडेट देते रहेंगे। बस ऐसी तमाम खबरों के साथ अब मैं तब जुड़े रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।